एक समय पर 80 किलो की हुआ करती थी और आज किसी मॉडल से कम नहीं है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी। अपना नाम बनाना वैसे तो काफी मुश्किल होता है, पर वो और भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब आपके साथ किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम जुड़ा होता है। आप बस उनके भाई बहन या जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है वो बनकर रह जाते हैं। पर सबा इब्राहिम ने ये होने नहीं दिया। वो शोएब इब्राहिम की बहन है, पर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना खुद का नाम बनाया है। ये नाम उन्होंने कैसे बनाया, क्या है उनकी कहानी, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबा इब्राहिम टेलीविजन एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की लाडली ननद है। खुद का वो यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी वो काफी एक्टिव रहती हैं। अपने भाई और भाभी की तरह ही वो भी अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में आई थी। नहीं नहीं, इनकी शादी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से चर्चा में नहीं थी, बल्कि एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चर्चा का विषय बनी थी। दरअसल उनके सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। उनकी तस्वीरों ने सभी की हवाइयां उड़ा दी थी। दरअसल आज इतनी खूबसूरत और पतली दुगली दिखने वाली सबा कभी गोलू मोलू हुआ करती थी। उनका वजन 75 से 80 किलो के बीच था, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत की और 80 किलो से अपना वजन 60 किलो तक ले आई। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी उन्होंने यूट्यूब पर अपने एक ब्लॉग में भी बताई है। सबा इब्राहिम ने अपने यूट्यूब वीडियोस में बताया था कि उन्हें बढ़े हुए वजन की वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उनका खाने पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो जमकर खाना खाती थी और इसके बाद भी वो जंक फूड और इधर उधर की चीजें भी खा लेती थी। इससे उन्हें PCOS और थायराइड जैसी बीमारी हो गई थी। वजन भी बढ़ता जा रहा था। PCOS में भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनका चेहरा भी दानों से भर गया था। सबा ने वीडियो में बताया था कि डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद उन्होंने घरेलू नुस्खे भी अपनाए। उन्होंने जीरा पानी पीना शुरू किया, हेल्दी डाइट को अपनाया, अपने इधर उधर और जंक फूड की क्रेविंग को भी कंट्रोल किया, जिससे उन्हें अपने बढ़ते हुए वजन को कम करने में काफी मदद मिली। इसके अलावा सबा ने मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने लाइफ स्ट्रेस से खुद को दूर रखा और चीनी से परहेज किया और ऐसे उन्होंने अपने ड्रास्टिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया। चलिए अब सबा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका होम टाउन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक गांव में था। यहीं से उनकी शादी भी हुई है। उनके पति का नाम खालिद नियाज है। प्रोफेशन से वो यूट्यूबर है। सबा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए डेली लाइफ के बारे में फैंस को नई नई जानकारियाँ देती है। इसी से वो कमाई भी करती है। उनके चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। इतने सब्सक्राइबर्स और खुद का नाम बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की है। नतीजन मुंबई में उन्होंने एक घर भी खरीदा है। बताया जाता है कि सबा इब्राहिम फेमस होने से पहले जो नौकरी करती थी उसके लिए उन्हें करीब 8,000 रुपए मिलते थे। वो सेलेब्स की असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी और अब वो खुद एक यूट्यूब सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो ये थी सबा इब्राहिम की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।